नमस्कार दोस्तों, प्रिय मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे, जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम सरकार की जय। आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की जो कहानी है, लता मंगेशकर, हिंदुस्तान की सबसे मशहूर आवाज, भारत रत्न लता मंगेशकर, जिन्हें हम प्यार से लता दीदी कहते हैं। जन्म 28 सितंबर 1929, इनके पिता स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर खुद एक जानी मानी हस्ती थे। नाटक हो या संगीत, दोनों में ही इन्होंने अपना एक अलग मकाम बना रखा था। ये किस्सा मशहूर रहा कि शुरू में लता मंगेशकर को संगीत नहीं सिखाया जा रहा था और इनके बाबा दीनानाथ मंगेशकर जी के बहुत से शिक्षक थे। एक बार हुआ यूं कि उनका एक शिष्य गलत गाना गा रहा था। अपने बाबा के गैर हाजिरी में नन्ही लता ने उस बच्चे को ठीक करना शुरू कर दिया और बताया कि ये राग ऐसे नहीं, ऐसे गाया जाता है। वो नन्ही सी बच्ची इस बात से बेखबर थी कि पीछे उसके पिता खड़े हैं। दीनानाथ मंगेशकर जी ने लता जी के आई से कहा कि अरे, मैं तो बाहर के बच्चों को सिखा रहा हूँ, मुझे ये ख्याल ही नहीं था कि एक गवैया तो हमारे घर में भी है। और उसी दिन से लता जी की शिक्षा घर में शुरू हुई। बचपन में ही लता मंगेशकर अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर के साथ स्टेज पर परफॉर्म करती थी। एक बार हुआ यूं कि एक नाटक चल रहा था जिनमें नारद का किरदार निभाने वाला अभिनेता नहीं पहुंच पाया। दीनानाथ मंगेशकर बहुत परेशान थे और नन्हे से लता ने जाकर कहा कि बाबा, कोई बात नहीं, वो नहीं आता तो अगर आप कहे तो मैं उसका रोल निभा देती हूँ। दीनानाथ मंगेशकर को जरा अजीब लगा और कहा कि कहा, तू इतनी छोटी सी है और स्टेज पर तू मेरे साथ गाना गाएगी, अजीब सा लगेगा। पर लता जी ने कहा कि बाबा, देखना, मैं वंस मोर लेकर आऊंगी, एक अवसर तो दे, और कोई चारा तो भी नहीं। वो अभिनेता और गायक अभी तक तो आया नहीं है। और इस तरह से लता जी ने अपने बाबा के साथ परफॉर्म किया और यकीनन वो वंस मोर आया। लता जी के आवाज के जादू ने फिल्म जगत में तो धूम मचाई, मगर इस मकाम तक पहुंचने से पहले लता जी के जिंदगी में अजब उतार चढ़ाव रहे। बचपन में ही इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जी, जो कि खुद एक बहुत बड़े ज्योतिष के ज्ञाता थे, उन्होंने लता जी से कहा था कि देख बेटी, तू आगे जाकर इतनी सफल होगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन उस सफलता को देखने के लिए मैं नहीं रहूंगा, और हाँ, तेरी शादी भी नहीं होगी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुझ पर ही रहेगी। नन्ही सी लता उस वक्त समझ नहीं पाई कि इनके बाबा बहुत जल्द जाने वाले हैं, और ठीक वैसा ही हुआ। दीनानाथ मंगेशकर का स्वर्गवास हो गया, पूरी जिम्मेदारी लता मंगेशकर के कंधों पर आई और स्टेज के साथ साथ उन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाने शुरू किए। मास्टर विनायक के कंपनी में ये काम किया करती थी, वही मास्टर विनायक जिनकी बेटी नंदा आगे जाकर बड़ी जबरदस्त अभिनेत्री बनी। लता मंगेशकर को ये कतई पसंद नहीं था कि वो एक्टिंग करे, और एक बार वो शूटिंग से लौटी और घर आकर फुटफुट कर रोने लगी। जानती थी कि छोटे भाई बहनों और परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। और जब इनकी माँ ने पूछा कि रोई क्यों, तो कहने लगी कि ये बनावट मुझे नहीं होती, मुझे सिर्फ गाना ही गाना है। किस्मत ने इनकी बात सुनी भी, इन्हें संगीत की शिक्षा तो मिली, पर फिल्म इंडस्ट्री में काम इनको आसानी से नहीं मिला। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में इनके आवाज को सुनकर ये कहा गया था कि आवाज इतनी पतली है, ये प्लेबैक सिंगिंग के लिए नहीं। और इनके गुरु और गॉड फादर मास्टर गुलाम हैदर ने ये बात साबित करने का पीड़ा उठा लिए कि लता जैसी आवाज किसी और के पास नहीं है। मास्टर गुलाम हैदर ने एक अहम भूमिका निभाई लता जी के जीवन में, ना ही बड़े ब्रेक्स दिलाए, बल्कि ये विश्वास भी रखा कि एक दिन सिर्फ इसी की आवाज गूंजेगी, बाकी सारी आवाजें इसके आगे फीकी रहेंगी। और ठीक वैसा हुआ भी। लता मंगेशकर ने एक से बढ़कर एक संगीतकार के साथ काम किया, चाहे वो मास्टर गुलाम हैदर रहे या फिर नौशाद साहब, शंकर जयकिशन की जोड़ी रही या मदन मोहन साहब, मुख्तलिफ संगीत के मालिक सलील चौधरी रहे या फिर रोशन साहब।
बदलती पीढ़ी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर डी बर्मन एंड कल्याण जी आनंद जी के साथ भी इन्होंने खूब गाने गाए। लता मंगेशकर इकलौती ऐसी गायिका रही जिन्होंने कहा कि गानों की रॉयल्टी गायक को भी मिलनी चाहिए। रिकॉर्डिंग के पेमेंट के बाद भी जब तक वो रिकॉर्ड बिक रहा है उसकी कमाई का छोटा सा हिस्सा गायक के हिस्से में भी आना चाहिए और इन्हें रॉयल्टी मिली। हालांकि प्रोड्यूसर्स इसके खिलाफ थे। राज कपूर साहब ने तो यहां तक की कहा था कि लता मैं तुम्हें रॉयल्टी नहीं दे सकता, मैं यहां पर बिजनेस करने आया हूं। और तब लता जी ने जवाब दिया था कि राज साहब अगर आप बिजनेस करने आए हैं तो मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में रानी बाग में घूमने नहीं आई। और अपनी बात लता जी ने मनवाई। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर बतौर संगीतकार में भी काम कर चुकी है। इनके ऊपर खासा दबाव था कि लता मंगेशकर को भी म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहिए, पर लता जी म्यूजिक डायरेक्टर बनके दूसरे संगीतकारों के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए इन्होंने अपने शुभ चिंतकों के जिद पर नाम बदला और संगीत दिया। मराठी फिल्म थी राम राम पावने और बतौर संगीतकार लता जी ने अपना नाम रखा था आनंद घन। और ये राज भी तब खुला जब एक अवार्ड फंक्शन में बार बार आनंद घन को मंच पर बुलाया जा रहा था और वह वहां पर मौजूद होते हुए भी स्टेज पर नहीं चढ़ रही था। जाहिर सी बात है, लता मंगेशकर कैसे जाहिर करती कि वही लता है और हो आनंद घन भी। पर लता जी को मंच पर जाना ही पड़ा और इस तरह से ये राज खुला। ये बात भी आगे जाकर पता चली कि 60 के दशक में जब लता मंगेशकर एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी थी तब इनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। मौत के मुंह से इन्हें बाहर निकाला गया था और डॉक्टर ने इन्हें बोला था कोई आपको धीमा जहर दे रहा था और वो डॉक्टर सही था। इनका एक रसोईया इन्हें हर रोज धीमा जहर दिया करता था जिसकी वजह से लता जी की जान भी जा सकती थी, पर इनके बीमार पड़ते ही तुरंत वह रसोईया भाग गया। अवार्ड के मामले में लता मंगेशकर ने कीर्तिमानस स्थापित किए, चाहे वो पद्म भूषण रहा हो या फिर पद्म विभूषण या फिर भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। जहां पर फिल्म फेयर अवार्ड की बात आती है तो लता मंगेशकर ने ये फैसला कर लिया था कि अब नए गायक और गायिकाओं को मौका मिलना चाहिए, इसलिए एक वक्त पर इन्होंने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था। लता मंगेशकर एक बहुत हसमुख प्रतिभा है और इन्हें फोटोग्राफी का बड़ा शौक है। ये बात सही है कि लता मंगेशकर की शादी नहीं हुई, पर लता जी ने हमेशा कहा कि मेरे परिवार में मेरे छोटे भाई बहनों के बच्चे भी मेरे खुद के ही तो बच्चे हैं। हर संगीतकार के साथ लता मंगेशकर की संबंध खूब जमी, चाहे वो दादा बर्मन रहे या फिर उनके बेटे आर डी बर्मन या फिर बदलते वक्त के संगीतकार जतिन ललित और ए आर रहमान। लता मंगेशकर ने हर दौर हर युग में अपनी आवाज से सभी का दिल जीता है। जब हिंदुस्तान और चीन का युद्ध हुआ तो बहुत सैनिक शहीद हुए, तब लता मंगेशकर की आवाज में आया ये गाना, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। इसे सुन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रो पड़े थे। यह बात भी मशहूर रही है कि लता मंगेशकर इकलौती ऐसी गायिका है जो गाने के लफ्ज सुनकर ही उस गाने को रिकॉर्ड करती है। यदि कोई भी आपत्तिजनक शब्द हुआ तो लता जी उस गाने को रिकॉर्ड करने से इनकार कर देती। गजले रही या फिर रोमांटिक गाने, दर्द भरा गीत रहा या फिर सपनों भरा, हर जज्बात को लता जी की आवाज मिली है। नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है कर याद रहे। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी दोस्तों को। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय बाबा बागेश्वर धाम की जय।